हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अच्छे दिन लाने का वादा कर सत्ता हासिल करने वाली मोदी सरकार ने अब तक क्या किया है? देश के गरीब, मजदूर, किसान, युवा, सैनिक, छात्र, महिला, इन सब के कितने अच्छे दिन आए हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी से 11,345 करोड़ का घोटाला हो चुका है। ये घोटाला बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन सरकार अभी तक दोषी पर कार्रवाई करने में असफल रही है। देश का सरकारी बैंक अगर सुरक्षित नहीं तो बाकी बैंकों का क्या भरोसा। सरहद पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। करारा जवाब देने की बात करने वाली मोदी सरकार को सत्ता संभाले 4 साल हो चुके हैं, लेकिन सरहद पर शहादत और तनाव कम नहीं हुआ है। बुधवार को सुबह 9:45 से 10:10 बजे के बीच पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर कश्मीर में एलओसी के नजदीक पुंछ सेक्टर में देखा गया। इसे देखकर ऐसा लगा कि यह भारतीय सीमा में प्रवेश करेगा, लेकिन एलओसी पर 300 मीटर तक दिखाने के बाद इस हेलीकॉप्टर ने दिशा बदल ली और ये लौटा गया। पाकिस्तान हर रोज चुनौती दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ भाषणों के बाण चलाकर खुश है। वही देश में बेरोजगारी का आलम तो यह है कि 1000 रिक्त पदों के लिए 10,000 आवेदन आ रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने में असफल हो चुकी मोदी सरकार पकौड़ा तलने की सलाह दे रही है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 6ठी तिमाही रोजगार रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 87,000 नौकरियां चली गई हैं। इतना ही नहीं, परिवहन क्षेत्र में भी 30,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। यानी ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 90,000 कुल नौकरियां चली गई हैं। सरकार की इन्हीं नाकामियों को गिनवाते हुए आप विधायक अलका लांबा ने ट्वीट किया है कि देश के बैंक सुरक्षित नहीं देश की सरदें, बेरोजगारी अपने चरम पर, पकौड़े तलने का ज्ञान बांट चौकीदार निकल पड़ा अपना जुमलों से भरा झोला लेकर एक नए भेष में भाषण देने, राशन भूख किसानों का कुछ अता पता नहीं, ऐसा है देश का प्रचार मंत्री पीएम। है पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला। देश में देख रहे हैं कि नोटबंदी की गई और नोटबंदी 2016 8 नवंबर को गई, वो दिन कभी हम भूल नहीं सकते। देश की 125 करोड़ की आबादी को अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई को बैंकों में डालने को कहा और सबने एक बड़े मकसद के लिए कि काला धन देश में आएगा, आतंकवाद थम जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा और ना जाने क्या क्या सबकी जेबों में 15-15 लाख आ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या सोच करके रोजगार इंडस्ट्री आएगी इन पैसों से जो हम बैंकों में डाल रहे हैं। हमने सबने 2016 को अपना बैंकों में पैसा डालना शुरू कर दिया, लेकिन अभी पंजाब नेशनल बैंक 2-3 दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज आई, बैंक का बड़ा घोटाला। और पता लगा कि दो शख्स जो बहुत बड़े जो है वो व्यापारी है, उनका नाम आपकी बात है, हमारे चौकीदार सोते रहे, विजय माल्या की तरह नीरव मोदी भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये कहते हैं कि 2011 में ये घोटाला हुआ, 2011 से 14 तक ये घोटाले होते रहे, बैंक से फर्जी तरीकों से मोटा पैसा जो है ये दोनों शख्स लेते रहे। और भाजपा का ये आरोप है कि ये पीएनबी घोटाला इन दोनों लोगों ने 2011 में ये हुआ, 2014 तक चला, केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी। पर हम पूछना चाहते देश के प्रधानमंत्री जी से, चौकीदार से, न खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा था। आपको मालूम था कि केंद्र की जो कांग्रेस सरकार थी 2011-14 में, उनके दौरान ये सब हुआ था। तो आपने 4 साल 2014 से 18 आ गया, 4 साल आपने क्या कार्रवाई की, ये देश जानना चाहता है। क्यों नहीं आपने उन भ्रष्ट कांग्रेसियों को जिन्होंने इस बैंक को इन घोटालेबाजों को लोन दिया, उन्हें आपने जेल में क्यों नहीं डाला? उल्टा नीरव मोदी को आप अपने जहाज में बिठाकर अपने डेलीगेशन में दावोस लेकर जाते हैं, स्विट्जरलैंड लेकर जाते हैं और अपने डेलीगेशन का हिस्सा बनाते हैं आप उसे। आज देश पूछ रहा है। हम बिल्कुल मानते हैं, आप पे विश्वास करते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। आपने कहा 2G 3G, आज सारे 2G 3G में बरी हो चुके हैं। आज आपने कहा यह घोटाला पीएनबी कांग्रेस के समय हुआ था, मान लिया कांग्रेस के समय में हुआ था, लेकिन 4 सालों में एक भी कांग्रेसी को आपने, नीरव मोदी को जेल में क्यों नहीं डाला, ये देश जरूर पूछना चाहता है। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है,
हमें जो समझ में आता है कि ये लोग आपको चुनावी मोटा माल चंदे के रूप में दे रहे थे, इसलिए आप इन्हें नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने भी इनसे खाया घोटाला करके और आज आपकी सरकार 4 सालों से इन्हें गोद में बिठाकर दावोस और हिंदुस्तान के चक्कर जो है वो घुमा रही है इन्हें, जबकि इन्हें जेल होना चाहिए था उन कांग्रेस नेताओं के साथ में जिनके आपकी जो मंत्री है वो प्रेस वार्ता करके नाम ले रहे हैं। मैं FIR बताती हूँ 29 जनवरी 2018 की, इसी जनवरी 2018 की FIR है, FIR CBI ने करवाई है और CBI ने उस FIR में साफ इस बात का जिक्र किया है, यानी कि आदेश को बताइए कि 9 से 14 फरवरी 2017 में 8 MOU LOU लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। किसकी सरकार थी 2017 फरवरी में, जब 8 लेटर जो है वो PNB द्वारा लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीरव मोदी के लिए साइन किए गए और उन्हें लोन दिया गया, आपकी सरकार सो क्यों रही थी? आपकी सरकार ने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो 8 LOU है साइन करने से रोका क्यों नहीं? क्यों ये 8 लेटर जिसमें इलाहाबाद बैंक भी, इन्हें भी LOU दिया गया, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया गया कि इलाहाबाद बैंक भी इन्हें, इस कंपनी को, नीरव मोदी की कंपनी को लोन दे दे और उन्होंने पैसा दे दिया। और सबसे बड़ी बात, आज जब नीरव मोदी भागता है देश से, किसकी सरकार है देश के अंदर? विजय माल्या भागा 9,000 करोड़ लेकर, किसकी सरकार थी? किसको रोकना था? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रोकना था या आपकी सरकार को रोकना था? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी, चौकीदार सो रहा था कि एक आदमी 2011 से इस देश को लूट रहा है और 18 तक लूटता है और आप उसे आसानी से इस देश के इमिग्रेशन से हवाई जहाज में बिठाकर भगा देते हैं आप उसको। यहां किसकी नाकामी है? यहां किसकी नाकामी है? देश पूछे तो देश गद्दार हो जाता है। जिन लोगों से समझौते कांग्रेस कर रही थी और आपकी सरकार आने के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जी, हमने उम्मीद की कि 4 सालों में कांग्रेस एक एक भ्रष्ट अंदर होगा। आप खुद कहते थे 70 सालों में इन्होंने देश को लूटा है, लेकिन एक कांग्रेसी बता दीजिए जो जेल के अंदर किया हो, हमें खुशी होती जानकर। लेकिन 2G 3G जैसे घोटालों में भी आपने जो है इन्हें रिहा कर दिया और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हम तो एक ही देश बात पुत्र है, इधर उधर की बात मत करें, इधर उधर की बात मत करें। ये बता नीरव चोकसी ने कारवां कैसे लूटा? इस देश की आबादी 125 करोड़ की आबादी को 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी, चौकीदार जी, आपके कहने पर अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई को लोगों ने बैंकों में डालना शुरू कर दिया कि अब किसानों का कर्ज माफ होगा, अब आतंकवाद थमेगा, अब भ्रष्टाचार थमेगा, अब देश में काला धन वापस आएगा, अब हर के बैंक में 15-15 लाख आएगा, अब उद्योग लगेंगे, अब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन होता क्या है, पहले विजय माल्या इस देश से भाग जाता है और उसके बाद नीरव मोदी। आपकी सरकार, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, आपकी CBI, आपका विजिलेंस, आपकी ED जवाबदेही आपकी बनती है। दुख की बात है, इस देश में जब इतने बड़े घोटाले होते हैं तो प्रेस वार्ता का दौर शुरू होता है, कांग्रेस भाजपा को, भाजपा कांग्रेस को दोष देती है, जबकि सरकारें कांग्रेस और भाजपा की रही, सरकारें बदली हैं लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बदला इस देश में, सिर्फ मुखौटे बदले हैं। अंदर वही घोटालेबाज, वही लोग आ गए हैं जो पहले कांग्रेस खाती थी और अब भाजपा खाती है। हम तो सिर्फ एक पूछना चाहते हैं कि क्या आज देश के बैंक सुरक्षित हैं? हां या ना का जवाब दीजिए। क्या बैंकों में आम आदमी का, गरीब का, किसान का, मजदूर का जो पाई? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माइंड द न्यूज को। थैंक यू।